अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स. सो टुडे इट इज़ आवर फोर्थ लेक्चर फॉर SST सोशल स्टडीज. वी हैव स्टडीड द फर्स्ट चैप्टर ऑफ ज्योग्राफी एंड वी हैव डन द एक्सरसाइज ऑफ दिस दैट चैप्टर. वी हैव डन एन वर्कशीट फॉर दैट. सो द टेस्ट ऑफ चैप्टर नंबर 1 विल बी taken on Tuesday. In the coming week it will be taken on Tuesday. You have to keep in mind, you have to be prepared, you have to prepare the questions, you have to prepare the worksheet, and I will give you the test. So coming back to the lesson today, so as we have done chapter number 1 for geography, I am going to start chapter number 1 which is chapter number 10 actually, but chapter number 1 of history part, section 2. Okay, can you please open page number 47, the early Muslims. Starting wale jo Muslims the, unke baare mein ye sara chapter hoga. Early Muslims ka matlab hai start mein, shuru wale Muslims. Here is a synopsis of the history and achievements of the Muslims. From the 7th to the 16th centuries in the Arab lands and the countries they had conquered. Okay, 7वीं सदी से लेके 16वीं सदी तक जो मुस्लिम्स ने लैंड के ऊपर रूल किया और कॉन्कर किया उनको, उसके सिनॉप्सिस मतलब कि मेन मेन पॉइंट्स उन्होंने डिस्कस किए हैं हमारे साथ. इन द 7th सेंचुरी व्हेन द राइटली गाइडेड Caliphate came to an end with the death of the 4th Caliph Hazrat Ali alayhis salam. So 7वीं सदी के अंदर जब हज़रत अली अलैहिस सलाम की शहादत हुई तो खिलाफत का एंड हो गया. द इन्फ्लुएंस ऑफ इस्लाम हैड स्प्रेड बियॉन्ड अरेबिया. इस्लाम का जो इन्फ्लुएंस है, असर है, वो अरब से भी बाहर चला गया. मेजर एक्सपेंशंस टुक प्लेस ड्यूरिंग द कैलिफेट ऑफ हजरत उमर. पर्शिया हैड बीन कंकर्ड टू द ईस्ट, सीरिया, इराक एंड बाइजेंटियम टू द नॉर्थ एंड टू द वेस्ट इजिप्ट. अब क्या हुआ हजरत उमर के दौर में कि इस्लाम ने पर्शिया, जो आज का ईरान है, डेट वॉज नोन एज मेसोपोटामिया और पर्शिया, उसको कॉन्कर किया ईस्ट तक, सीरिया, इराक, बाइजेंटियम और इजिप्ट तक, वेस्ट ऑफ इजिप्ट तक, नॉर्थ तक, सारे ये एरियाज उन्होंने कॉन्कर किए. द पर्शियन एंड बाइजेंटाइन एम्पायर्स वर कल्चरली डेवलप्ड एंड द अरब्स नॉट ओनली ब्रॉट दीज कंट्रीज अंडर देयर रूल बट आल्सो लर्नड फ्रॉम देम. अब वो बाइजेंटियम जो थे और पर्शियन जो था, वो बहुत डेवलप और कल्चरली वेरी स्ट्रॉन्ग कंट्रीज थी, और अरब ने सिर्फ उनके ऊपर रूल नहीं किया लेकिन उनसे सीखा भी, बहुत कुछ सीखा. द उमायद डायनेस्टी केम टू पावर इन 661. ये बनू उमैया जिसको कहते हैं अमीर, ये जो मुआविया इब्ने सुफयान की जो डायनेस्टी जिसने स्टार्ट की थी, मुआविया इब्ने सुफयान, उनकी जो डायनेस्टी है वो पावर में आई 661 में अंडर मुआविया इब्ने अबू सुफयान, हु वाज द गवर्नर ऑफ सीरिया. आज जो शाम जिसको कहा जाता है सीरिया, ही वाज द गवर्नर ऑफ दैट एरिया. ही शिफ्टेड द कैपिटल टू डमास्कस. डमास्कस तक वो अपना डोमेस्टिकस ले गया कैपिटल, अ सिटी ऑफ हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस. उसके अंदर हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस वो थी. द उमायद पीरियड इज़ नोटेड फॉर द एक्सपेंशन ऑफ मुस्लिम टेरिटरीज अक्रॉस नॉर्थ अफ्रीका, यूरोप एंड एशिया. अब ये जो इसकी डायनेस्टी थी, विच वॉज फॉलोड बाय यजीद इब्न मुआविया, उनकी जो कहते हैं कि ये इस्लाम का बड़ा एक्सपेंशन का दौर माना जाता है, नॉर्थ अफ्रीका तक, यूरोप तक और एशिया तक इसकी टेरिटरीज फैल गई. बुखारा एंड समरकंद केम अंडर उमायद रूल एंड अंडर मोहम्मद बिन कासिम. द अरब्स इन्वेडेड
सिंध एंड कैप्चर्ड लैंड्स अप टू मुल्तान। मोहम्मद बिन कासिम ने भी उसकी भी जो पीरियड है उसने इधर रूल किया और उसने सिंध को फतह किया और मुल्तान तक सारे एरियाज को कैप्चर किया। देयर वॉज ग्रेट एक्टिविटी ऑन सी देन ऑन लैंड। सी के ऊपर ज़्यादा एक्टिविटीज तब की जाती थी बजाय इसके कि लैंड के ऊपर उस तरह से जंगें होती सी के अंदर हो रही थी। कॉन्स्टेंटिनोपल वॉज कंकर्ड बाय एन अरब फ्लीट एज वर द आइलैंड्स ऑफ सिसिली एंड रोड्स। दीस एंड लेटर विक्ट्रीज एट सी ब्रॉट मुआविया द क्रेडिट ऑफ बिल्डिंग अ मुस्लिम नेवल पावर। ये नेवल पावर जो थी सी की जो पावर थी वो मुआविया को क्रेडिट वो कहते हैं जाता है उसने बनाई थी। ये नेवल जो आर्मी थी नेवल फोर्स जिस तरह हमारी नेवी है उस तरह उसने एक आर्मी जनरेट की थी। ऑन लैंड द उमैद आर्मीज कंकर्ड नॉर्थ अफ्रीका एंड फ्रॉम टेंगीज दे क्रॉस द स्ट्रेट्स टू स्पेन। अच्छा जी, उन्होंने नॉर्थ अफ्रीका कवर किया टेंगीज से लेके स्पेन तक उन्होंने ये सारा एरिया कमर उमैद आर्मी ने कवर किया। द मैन हु लेफ्ट हिज मार्क हियर वॉज द बर्बर जनरल तारिक आफ्टर हुम द स्ट्रेट्स एंड द रॉक वेयर द लैंडेड आर नेम्ड गिब्राल्टर। ओके, बर्बर जनरल तारिक जो था उसने इन सारी चीज़ों को जो है उसको इन सारी जगहों पे अपना नाम छोड़ता गया और जिसके नाम से आज वो गिब्राल्टर जगह जो है वो जानी जाती है, वो रॉक्स को जाना जाता है। द अरब्स कॉन्कर्ड स्पेन एंड इवन इन्वेडेड फ्रांस वेयर दे वर डिफीटेड एट द बैटल ऑफ टूअर्स इन 732। ओके, अरब्स ने स्पेन को भी कॉन्कर किया फ्रांस को भी कॉन्कर किया लेकिन उनको एक डिफीट होगी, हार गए वो बैटल। कहाँ पे? बैटल ऑफ टूर्स में 732 के अंदर। द मुस्लिम प्रेजेंस इन स्पेन बिकेम स्ट्रॉन्गर व्हेन द उमैयद्स एस्टैब्लिश्ड देयर रूल। दे मेड कार्डोबा देयर कैपिटल एंड मेड इट वन ऑफ द फाइनेस्ट सिटीज इन द वर्ल्ड। अब उन्होंने क्या किया कि उमैयद ने अपना एस्टैब्लिश किया रूल स्पेन के अंदर और कार्डोबा को उन्होंने क्या किया अपना कैपिटल बनाया और वो बड़ा फाइनेस्ट सिटीज जो थे वर्ल्ड के उनके अंदर आ गया। एजुकेशन साइंसेस मेडिसिन आर्ट एंड कल्चर फ्लरिश्ड इन मुस्लिम स्पेन। कार्डोबाज यूनिवर्सिटी वाज़ द लार्जेस्ट एंड द बेस्ट इंस्टीट्यूशन ऑफ इट्स टाइम। इट वाज़ अ टॉलरेंट एंड प्रोग्रेसिव सोसाइटी विच प्रोड्यूस्ड मैनी थिंकर्स साइंटिस्ट एंड राइटर्स। कार्डोबा जो यूनिवर्सिटी थी अपने टाइम की बिगेस्ट और बेस्ट यूनिवर्सिटीज में से एक थी और उसने बड़े बड़े थिंकर्स साइंटिस्ट और राइटर्स पैदा किए। दैट इज़ इट फॉर टुडे। इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट कमिंग सेशन वी विल रीड रेस्ट ऑफ द चैप्टर। सो द थिंग इज़ दैट यू आर गोइंग टू डू इज your homework is your assignment is to read the whole chapter and try to understand whatever you can, and if you have any questions regarding this you can ask me whenever you want on WhatsApp. You can text me. Okay, thank you.